हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अप योर डिवाइस। इस फोन को नया खरीदने के बाद या फिर रीसेट करके स्मार्टली सेटअप कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले पावर ऑन दबाए फोन को बूट करना होगा। डिवाइस ऑन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ से अपना फोन लैंग्वेज चूज कीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश से लेकर बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगा, तो आप अपना भाषा सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट बटन पर टैप करके शुरुआत करेंगे। इसके बाद डिवाइस का टर्म एंड कंडीशन एग्री करना होगा, तो पहले जो दो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक लगा के बाकी सब छोड़ दीजिए। इजी सेटअप विद अनदर डिवाइस। अगर आपने किसी पुराना डिवाइस या टैबलेट से इस डिवाइस में अपडेट किया है तो उसका ऑल डेटा एंड सेटिंग्स इसमें कॉपी कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस, सैमसंग डिवाइस और आईफोन डिवाइस से डेटा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस डिवाइस को हम मैनुअली सेटअप करेंगे। चूज ए वाईफाई नेटवर्क। अगर आपके घर में वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है तो उस नेटवर्क के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अपने आप सेट हो जाते हैं, अगर रॉन्ग टाइम शो हो रहा है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट गूगल सर्विस। दोस्तों इनमें से सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा परमिशन ऑफ कर दीजिए, नहीं तो फ़ोन से डेटा कलेक्ट करके आपके इंटरेस्टेड बेसिस पर एड्स दिखाएगा। इसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। प्रोटेक्ट योर फोन। यहाँ अपना फ़ोन फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, पिन, पासवर्ड या पैटर्न डाल के डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, तो इसको हम बाद में सेट करेंगे। गेट रिकमेंडेड ऐप्स। दोस्तों रिकमेंडेड ऐप्स में स्मार्ट टूर के अलावा अगर दूसरे कोई ऐप सजेशन में आता है तो उससे टिक मार्क हटा देना, नहीं तो फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होते ही धराधर फालतू की ऐप इंस्टॉल कर देगा। फ़ोन सेटअप करते समय सिर्फ स्मार्ट ट्यूटर पे ही टिक रहना चाहिए। नेक्स्ट सैमसंग अकाउंट। दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई सैमसंग अकाउंट है तो यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड और डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ से आप एक नया सैमसंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जो सैमसंग अकाउंट था उसका आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करके उसे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल फ़ोन सेटअप जारी रखने के लिए सेटअप डेटा इन सेटिंग्स पे क्लिक करें। सैमसंग अकाउंट जोड़ने से इन सभी फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद स्किप कीजिए। सैमसंग सर्विस। यहाँ जो जो ऑप्शन है उसे बंद कर दीजिए। इसके बाद एग्री करें। चूज योर डिस्प्ले प्रेफरेंस। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको लाइट मोड अच्छा लगता है या फ़ोन को डार्क मोड में यूज़ करना पसंद करते हो। इसके बाद नेक्स्ट करना है। यू आर ऑल सेटअप। ऑलमोस्ट आपका फ़ोन सेटअप हो चुका है, अब फिनिश पे टैप करना है। एक्सपीरियंस सैमसंग सर्विस। इसके अंदर कुछ हिडन सेटिंग्स ऑफ करना पड़ेगा। ग्लैंस ऑन सैमसंग में जाके यहाँ सभी सेटिंग्स पे टिक मार्क हटा के ऑल परमिशन बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐड से आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद अप्लाई करना है। अब स्किप बटन पे टैप करते ही सीधा होम पेज पर चले जाएंगे। दोस्तों हमारा फ़ोन लगभग 90% सेटअप हो चुका है। अब सिम ट्रे निकाल के उसमें सिम कार्ड डाल दीजिए। नेटवर्क आने में थोड़ा समय लगता है। इसके बाद आपके सामने सिम कार्ड मैनेजर का एक पॉपअप आएगा। यहाँ से कॉल, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट के लिए सिम वन और सिम टू सेट कर सकते हैं। आप बैक आइए। वाईफाई कॉलिंग इज ऑन। जब आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट रहेगा नेटवर्क कमज़ोर होने पर भी वॉइस कॉल करते वक्त कॉल ड्रॉप नहीं होगा, तो इसे ऑन रखिए। दोस्तों इसके बाद ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है। फर्स्ट टाइम इंटरनेट कनेक्शन चालू होने के बाद वॉलपेपर सर्विस, प्री इंस्टॉल सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट होगा। ऊपर में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिनिश सेटिंग अप योर डिवाइस। इस पर टैप करना है। आपसे दोबारा पूछा जाएगा क्या आप दूसरे डिवाइस से डेटा कॉपी करना चाहते हो। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने स्किप कर दिया। चूज ए वाईफाई नेटवर्क। अगर घर में वाईफाई है तो कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करना है। गेटिंग योर फोन रेडी। थोड़ा टाइम लगेगा। कॉपी एप्स एंड डेटा। यहाँ डोंट कॉपी पे टैप करना है। साइन इन गूगल अकाउंट। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, या तो स्किप कर सकते हैं। गूगल अकाउंट से साइन इन करने के बाद नीचे की तरफ लोकेशन, स्कैनिंग सर्विस और सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा परमिशन ऑफ करके इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। प्रोटेक्ट योर फोन। यहाँ अपने हिसाब से कोई भी स्क्रीन लॉक सेट कर लेना। दोस्तों फिर से नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है। इसके बाद कंप्लीट डिवाइस सेटअप पर क्लिक करें। ज़बरदस्ती आपको फालतू की ऐप इंस्टॉल करने का सजेशन दे रहा है, गलती से भी कंटिन्यू बटन पर क्लिक ना करें।
यहाँ से टिक मार्क हटा के स्किप कर देना है। नोटिफिकेशन बार में प्ले स्टोर से और एक नोटिफिकेशन आएगा, सेट ऐप पॉज। कुछ कुछ सिस्टम एप्लीकेशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आप वो डायरेक्ट प्ले स्टोर से अपडेट होगा। इस एरो को ओपन करके यूज डेटा पे टैप करते ही ऐप अपडेट होना शुरू हो जाएगा। सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल और अपडेट होने तक इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल से सभी सेटअप कंप्लीट होकर हाइड हो चुका है। अब डिवाइस में जितने सारे ब्लूटूथ ऐड फालतू की ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उसे अनइंस्टॉल करके फोन को एकदम साफ कर दीजिए। ऐप डोर ओपन करके इनमें से जो जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि ये आपका काम का नहीं है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और जो अनइंस्टॉल नहीं होगा उसको आप डिजेबल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर टैप एंड होल्ड करते ही डिजेबल और अनइंस्टॉल का पॉपअप आएगा, यहाँ से एप्लीकेशन रिमूव होता है। इससे आपका इंटरनल स्टोरेज भी फ्री होगा और बैटरी लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को स्मार्टली सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन सेटअप के अलावा इस मॉडल का कई सारे हिडन सेटिंग्स और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।